Our today's topic is disorder of parathyroid gland. The parathyroid gland is situated at the posterior surface of the thyroid gland. ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड नॉर्मली चार होती हैं, दीज आर फोर इन नंबर एंड दीज आर पेयर्ड एंड लोकेटेड बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड इन द नेक. ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड आर सिचुएटेड बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड. तो पैराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस एंड रिलीज पैराथ हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच भी जिसको बोलते हैं, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म करते हैं. तो इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टूथ और बोन मिनरलाइजेशन. ठीक है, हियर शोन इन दिस डायग्राम, दिस इज थायरॉयड ग्लैंड एंड दिस आर फोर पैराथायरॉयड ग्लैंड विच आर सिचुएटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड. दिस इज द एंटीरियर व्यू एंड दिस इज पोस्टीरियर व्यू ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड. दे आर फोर पेयर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड विच आर सिचुएटेड बिहाइंड द थायरॉयड ग्लैंड. After that, its function. Mainly, the function of parathyroid gland is to maintain body calcium or phosphate level in a normal limit. ठीक है, जो PTH है, ये calcium phosphate level को maintain करता है. जब body में calcium कम हो जाए तो it increase the calcium level. Increased secretion of PTH result in increased calcium absorption from the kidney, intestine and bone, thereby raising the blood calcium level. जिससे कि blood calcium level क्या हो जाएगा, raise हो जाएगा, increase हो जाएगा. तो अगर body में calcium कम है तो PTH release होगा, PTH calcium absorption करेगी kidney, intestine और bone से. ठीक है, और some action of PTH are increased by the presence of vitamin D, क्योंकि vitamin D also help in the absorption of calcium. Normally जो vitamin D है, it is present in our skin in the inactive form in the presence of ultraviolet V radiation. Vitamin D is converted into the active form and it goes to liver where it is converted into 2,5-dihydroxycholecalciferol. उसके बाद ये किडनी में जाता है और ये 1,2,5-dihydroxycholesterol में convert होके calcium की reabsorption करता है. So vitamin D also help in the absorption of calcium. After that, parath hormone also tend to lower the blood phosphorus level. जो phosphorus और calcium है, ये vice versa act करते हैं. अगर calcium इंक्रीज हो रहा है तो फॉस्फोरस डिक्रीज हो जाएगा, अगर फॉस्फोरस इंक्रीज है तो कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा. तो एक्सेस पैराथ हार्मोन कैन रिजल्ट इन मार्केटली एलिवेटेड लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम. ठीक है, अगर पैराथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज है तो इट इंक्रीज द कैल्शियम लेवल. ठीक है, और फॉस्फोरस को ये डिक्रीज कर देता है. बट व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस राइजेज, जब दोनों राइज हो जाएंगे, कैल्शियम भी इंक्रीज हो जाएगा, फॉस्फोरस भी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट बनाएंगे और प्रेसिपिटेट होके ये प्रेसिपिटेशन इसमें हो जाएगी, स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है इन द बॉडी टिश्यूज. तो बट जैसे कि अगर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो गया ब्लड में, ना, तो पैराथ हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा. ये एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है. नॉर्मली ऐसे होता है कि अगर कैल्शियम, जैसे पीटीएच इंक्रीज हुआ, कैल्शियम इंक्रीज हुआ, जब कैल्शियम इंक्रीज हो गया तो पीटीएच को नेगेटिव फीडबैक जाएगा और पीटीएच का लेवल डिक्रीज हो जाएगा. As shown here, this is low blood calcium level है. It stimulate parathyroid gland to increase PTH synthesis. PTH क्या करेगा, bone में जाएगा, bone breakdown करेगा ताकि उससे calcium release हो. Kidney से calcium की reabsorption करेगा और intestine से भी absorption करेगा calcium की. और ये जो तीनों condition है, it increase the blood calcium level. जब blood calcium level increase हो गया तो it give negative feedback to the parathyroid gland and the secretion of PTH is decreased. ये normal process बताएगी. After that, the disorder of PTH hormone. It include hyperparathyroidism or hypoparathyroidism. हाइपरपैराथायरॉइडिज्म में क्या होगा, पीटीएच का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. तो इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर विद एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन एक्सटेंसिवली अबव द नॉर्मल लेवल. तो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द ओवर एक्टिविटी ऑफ वन और मोर पैराथायरॉइड
ग्लैंड, ठीक है, ओवर एक्टिव जब हो जाएंगी। तो हाइपर पैराथायरिडिज्म कैन बी करेक्टराइज इंटू प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी फॉर्म। इसको थ्री फॉर्म में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी फॉर्म में। प्राइमरी में क्या होगा, जब पैराथायरॉयड ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाएगी ड्यू टू एनी हाइपर प्लेजिया या एडिनोमास की वजह से, है ना। कॉजेज इसमें यही आएंगे, इट इज कॉज बाय द एनलार्जमेंट ऑफ वन और मोर पैराथायरॉयड ग्लैंड और ड्यू टू द एडिनोमास, दिस लीड टू टू मच पैराथायरॉयड ग्लैंड। जब पैराथायरॉयड ग्लैंड के सेल्स की एनलार्जमेंट होगी तो वो ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करेगा, तो उस वजह से क्या हो सकता है, इंक्रीज कैल्शियम इन द किडनी। अगर कैल्शियम में इंक्रीज हो, कैल्शियम किडनी में इंक्रीज हो गया तो किडनी स्टोन हो सकता है। अगर कैल्शियम स्मॉल इंटेस्टाइन में इंक्रीज होगा तो GI अपसेट हो सकता है। इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन अकर, बोन रिजॉर्प्शन में क्या होता है कि जो बोन सेल्स हैं दैट इज मेनली ऑस्टियोक्लास्ट सेल, वो बोन की डिस्ट्रक्शन करते हैं। जब बोन की ब्रेकडाउन होगी तो उससे कैल्शियम रिलीज होगा, ठीक है, बट जो बोन्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। एंड दिस मीन्स देयर इज इंक्रीज बोन डीमिनरलाइजेशन, तो इस वजह से बोन क्या हो जाएगी, डीमिनरलाइजेशन, मतलब उससे जो मिनरल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे एंड बोन डैमेज हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। तो दीज सिम्टम आर द पार्ट ऑफ व्हाट इज नोन एज मोन्स। मोन्स किसको बोलेंगे, जब किडनी स्टोन की वजह से सिम्टम्स आएंगे। ग्रोन्स, ग्रोन्स आर सिम्टम ड्यू टू द GI अपसेट और स्टोन्स, ठीक है, और बोन्स, बोन जब बोन में कुछ सिम्टम आएंगे, जैसे बोन ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, बोन डैमेज होगा, डीमिनरलाइजेशन होगा, तो इसको बोन्स बोला गया है। After that, secondary hyperparathyroidism, it is due to the, मतलब जो parathyroid gland है वो normal है, but या तो kidney में कुछ problem हो गई, intestine में problem है, bones में कुछ problem है, या hyperphosphatemia हो गया है, which may lead to hyperparathyroidism, ठीक है। तो इसमें जो parathyroid hormone है वो, it is when body produces extra parathyroid hormone because the calcium level are too लो, ठीक है। दिस इज सीन व्हेन विटामिन डी लेवल आर लो, जब बॉडी में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, इट माइट बी ड्यू टू विटामिन लेवल, अगर विटामिन डी का लेवल कम है उस वजह से भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, रिनल प्रॉब्लम है, हाइपोफॉस्फेटीमिया है, तो दिस हाइपोफॉस्फेटीमिया आएगा यहाँ पे, सॉरी, है ना। तो दिस कंडीशन में लीड टू द सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी में सिर्फ हाइपर प्लेजिया या एडिनोमा था, इसमें सेकेंडरी में या तो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी की क्वांटिटी कम है, कैल्शियम कम है, रिनल फेलियर हो गया, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, दिस में लीड टू सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। आफ्टर दैट टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस टू मच पैराथायरॉयड हार्मोन इवन थ्रू द कैल्शियम लेवल इज बैक टू द नॉर्मल, जब कैल्शियम लेवल नॉर्मल भी हो जाए बट फिर भी PTH की सिंथेसिस ज्यादा है, तो उसको टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म बोलेंगे। आफ्टर दैट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सिम्टम क्या होंगे, सिम्टम्स स्केलेटन सिस्टम में बैकएक हो सकता है, ज्वाइंट पेन, क्योंकि जो बोन्स है बोन से कैल्शियम रिलीज हो जाएगा तो बोन्स वीक हो जाएंगी, बोन पेन हो सकता है, पर्सन इज हैविंग पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ऑफ स्पाइन, रिब और लॉन्ग बोन, रिनल इन्वॉल्वमेंट में ऑल्सो अकर, रिनल इन्वॉल्वमेंट मतलब किडनी, जैसे अगर किडनी स्टोन हो गया है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, पॉलीयूरिया हो सकता है, पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव थ्रस्ट हो सकती है पर्सन को, अपीयरेंस ऑफ सैंड ग्रेवल, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगी किडनीज में, तो या तो सैंड की तरह छोटे छोटे जैसे जो पार्टिकल्स होते हैं वो दिखेंगे, ग्रेवल थोड़ा मोटा होता है जैसे पत्थर होता है ना, बजरी टाइप का, उस टाइप का ग्रेवल या स्टोन दिख सकता है। एजोटीमिया में ऑल्सो अकर, एजोटीमिया में क्या होता है, हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन है, उसका लेवल जब ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। हाइपरटेंशन में ऑल्सो कर, GI मैनिफेस्टेशन में थ्रस्ट होगा, नोसिया, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में अल्सर फॉर्मेशन इन द
lower part of esophagus, stomach or the first part of the duodenum, that is called as peptic ulcer. GI bleeding हो सकती है और pancreatitis. Psychiatric manifestation में listlessness हो सकती है. Listlessness का मतलब है कि जो person है वो थोड़ा tired feel करेगा, lack of energy उसको feel होगी, lethargic feel होगा, जैसे कि यहाँ बताया गया. Fatigue, depression, memory loss हो सकता है, because जो ये waste product है, ये nitrogenous waste है, it may deposit in the brain, ठीक है, तो उस वजह से हो सकता है. कंफ्यूजन होगा, स्टूपर होगा, स्टूपर में जो पर्सन है स्पॉन्टेनियस जो मूवमेंट है वो उसमें एब्सेंट होती है, ठीक है, मतलब पर्सन एक जगह पे खड़ा रहेगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट उसमें एब्सेंट होगी. कोमा में ऑल्सो अकर. डिप्रेशन, पैरानोइया, पैरानोइया में जो पर्सन है द पर्सन फील दैट द अदर पर्सन वॉन्ट टू हार्म हिम, ठीक है, कि दूसरे उसको हार्म करना चाहते हैं. दीज आर एसोसिएटेड विद हाई कैल्शियम लेवल. आफ्टर these symptoms, these include skeleton, these symptom, renal, muscle or psychiatric jo symptoms honge. Other are decreased neuromuscular irritability, decreased deep tendon reflex or muscle weakness or atrophy. After that the diagnostic evaluation, blood test mein calcium level increased hoga normal se, phosphate level decrease hoga, PTH ka level इंक्रीज होगा. एक्सरे में बोन डीमिनरलाइजेशन आएगा कि बोन के जो मिनरल हैं वो लॉस हो गए होंगे, छोटे मतलब पोरस फॉर्मेशन बोन्स में प्रेजेंट होगी. अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई ऑफ द ग्लैंड फॉर एनी टाइप ऑफ एडिनोमास, जैसे कि अगर कोई कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है. आफ्टर दैट द असेसमेंट, असेसमेंट में गोल, सॉरी मैनेजमेंट में गोल, गोल इज टू लोअर सिवियरली एलिवेटेड कैल्शियम लेवल. और जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है उसमें जो बोन की रीअब्सॉर्प्शन है, कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन है, बोन बोन में जो कैल्शियम है उसकी रीअब्सॉर्प्शन करनी है, ठीक है, क्योंकि बोन से कैल्शियम लॉस हो गया है तो बोन्स वीक हो गई हैं, तो बोन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम करना है. आफ्टर दैट मेडिकल मैनेजमेंट में एलिवेटेड कैल्शियम लेवल को कम करना है. कैसे कम कर सकते हैं? बाय हाइड्रेशन या कैल्शियूरिया, यूरिन में कैल्शियम लॉस करके. तो इसके लिए लैसिक्स पेशेंट को देंगे, फ्रोसेमाइड विच इज़ अ डायूरेटिक, इट इट डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड हेल्प इन द लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन. आईवी सलाइन सॉल्यूशन पेशेंट को देंगे, इट इनहिबिट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, किडनी किडनी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे और कैल्शियम को बॉडी से लॉस होने देंगे. डाइट में क्या करेंगे? कैल्शियम लो लेना है, विटामिन डी भी कम लेना है. ओरल फॉस्फेट देंगे क्योंकि अगर फॉस्फेट इंक्रीज होगा तो कैल्शियम ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, जैसे कि कैल्सिटोनिन है. कैल्सिटोनिन कैल्शियम को ब्लड में कम करता है, ठीक है, और ये गैलियम नाइट्रेट एक्सेट्रा, दिस डिक्रीज द कैल्शियम लेवल बाय इंक्रीजिंग द फॉस्फेट. सेकेंडरी डिजीज अगर है तो उसमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, विटामिन डी दे सकते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरायडिज्म था उसमें जो कैल्शियम लेवल पीटीएच है क्यों इंक्रीज है, क्योंकि बॉडी में विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है. तो अब जब इनको इनकी जो डेफिशिएंसी है वो ट्रीट हो जाएगी तो पीटीएच का लेवल डिक्रीज हो जाएगा. टर्शियरी डिजीज में फॉस्फेट बाइंडर्स देंगे, क्योंकि इसमें अगर कैल्शियम लेवल नॉर्मल भी आ जाता है तब भी फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज रहेगा, तो इसमें सॉरी कैल्शियम का लेवल इंक्रीज रहेगा, तो इसमें फॉस्फेट बाइंडर देंगे ताकि जो फॉस्फेट है जब इंक्रीज होगा तो इट डिक्रीज द कैल्शियम लेवल. सर्जिकल मैनेजमेंट में जैसे कि एडिनोमास हमने देखा था, ट्यूमर था, तो उसमें पैराथायरॉयडेक्टमी करेंगे, तो इट इज द रिमूवल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ट्यूमर. After that nursing management में high risk for injury related to demineralization of bone resulting in pathological fracture. So these are its intervention. Impaired urinary elimination related to renal involvement, secondary to hypercalcemia and hyperphosphaturia resulting in urolithiasis, painful urination, hematuria and the spasm. Imbalanced nutritional status, less than body requirement related to anorexia resulting in decreased food intake and the weight loss.
After that, next condition is hypoparathyroidism. Hypo मतलब decrease, इसमें PTH का level क्या हो जाएगा? Decrease हो जाएगा. तो deficiency of PTH due to hyposecretion of parathyroid gland. ठीक है, serum calcium level इसमें क्या होगा? Low होगा, phosphate level increase होगा. तो which may lead to tetany. जब calcium body में कम होता है, it may lead to tetany. Tetany में muscle spasm हो जाता है, intermittent muscular spasm होता है. तो this condition is mainly seen in women than the man. Incidence related to thyroid surgery है ना, ज़्यादातर किस में देखा गया? अगर person की thyroid surgery हुई है, तो thyroid surgery में कई बार parathyroid gland भी रिमूव हो जाती है, which decrease the synthesis of parathyroid हार्मोन. कॉजेज इयाट्रोजेनिक कॉजेज हैं, जैसे कि अगर किसी की ट्रीटमेंट हुई है, पैराथायरॉयड टिश्यू रिमूव हुए हैं, तो इट मे लीड टू डिक्रीज इन द पैराथायरॉयड हार्मोन. सर्जरी जैसे कि एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ थायरॉयड डेक्टमी. ठीक है, अगर जैसे कि पर्सन की थायरॉयडेक्टमी हुई है, बट एक्सीडेंटली पैराथायरॉयड टिश्यूज आर आल्सो रिमूव्ड, विच मे लीड टू डिक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन. इन्फेक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है पैराथायरॉयड ग्लैंड को, तो दिस में ऑल्सो लीड टू डिक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन. एनी टाइप ऑफ ट्रॉमा टू द पैराथायरॉयड ग्लैंड या इडियोपैथिक. इडियोपैथिक किस कंडीशन में? ऑटोइम्यून डिजीज. ऑटोइम्यून डिजीज में जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, हमारा इम्यून सिस्टम पैराथायरॉयड ग्लैंड को डैमेज कर देगा, विच डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन. आफ्टर दैट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें जब कैल्शियम बॉडी में कम हो जाएगा, तो पर्सन को टिंगलिंग सेंसेशन होगी, नमनेस, बर्निंग इन फिंगर टिप्स, टोज और लिप्स. क्योंकि नॉर्मली जो कैल्शियम है क्या करता है, एक तो बोन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी करता है, मसल्स के लिए ज़रूरी होता है. तो मसल एक होगी, मसल क्रैम्प, माल फॉर्मेशन ऑफ टिथ, टिथ में जो इनेमल है उसमें कैल्शियम कम हो जाएगा, टिथ की शेप चेंज हो जाएगी, पर्सन को हेडेक होगा. आफ्टर दैट फिजिकल असेसमेंट में चौस्टिक साइन और ड्राउजी साइन. चौस्टिक साइन में स्पाज़म ऑफ फेशियल मसल आफ्टर अ टैप ओवर द फेशियल नर्व सिग्निफाइंग फेशियल नर्व हाइपर इरिटेबिलिटी. यहाँ पे जो फेशियल नर्व है, जब इसके ऊपर फिंगर से टैपिंग करेंगे, तो पर्सन को फेशियल मसल में स्पाजम हो जाएगा. आफ्टर दैट ट्राउजी साइन. ट्राउजी साइन में स्पाजम ऑफ रिस्ट एंड हैंड एज शोन इन दिस फिगर है ना. स्पाजम ऑफ रिस्ट एंड हैंड आफ्टर द कंप्रेशन ऑफ अपर आर्म एज बाय बीपी कफ. जब बीपी कफ पर्सन की आर्म पे लगाएंगे, जब उसको इन्फ्लेट करेंगे, तो मसल सॉरी रिस्ट और हैंड का स्पाजम हो जाएगा. तो दीज आर टू साइन विच इंडिकेट हाइपोकैल्सीमिया. हाइपोकैल्सीमिया मतलब जब बॉडी में कैल्शियम कम हो जाएगा. चौस्टिक साइन और ट्राउजी साइन. अदर सिम्टम इंक्लूड लिथार्जी, वीकनेस, फटीग, थिन पैची हेयर, ब्रिटल नेल्स, ड्राई स्केली स्किन, पर्सनैलिटी चेंजेस, कैटरेक्ट इज द ओपेसिटी ऑफ द लेंस, परमानेंट ब्रेन डैमेज में ऑल्सो अकर. आफ्टर दैट द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, इसमें क्या करेंगे? सीरम कैल्शियम लेवल इसमें डिक्रीज होगा नॉर्मल से, फॉस्फेट लेवल इज इंक्रीज, PTH लेवल इज लो, डिक्रीज यूरिन कैल्शियम लेवल, यूरिन में कम कैल्शियम एलिमिनेट होगा. ऑप्थैल्मिक एग्जाम में कैल्सिफिकेशन ऑफ द लेंस, लेंस में कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, विच मे गिव राइज टू ऑप्थैल्मिक सिम्टम. रेडियोग्राफी में इंक्रीज बोन डेंसिटी ऑफ द स्किन, क्योंकि बोन से कैल्शियम रिमूव नहीं हो पाएगा. ठीक है, नॉर्मली PTH बोन से भी कैल्शियम को रिलीज करता है, तो जब बोन से रिलीज नहीं होगा, बोन डेंसिटी इंक्रीज्ड रहेगी. या रिड्यूस्ड यूरिन क्रिएटिनिन लेवल, ECG चेंजेस होंगे, बिकॉज कैल्शियम कम है, तो इंक्रीज QT और ST इंटरवल, कैल्शियम इंक्रीज द कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ द हार्ट. तो इन जो ST और QT सेगमेंट है वो इंक्रीज्ड आएगा. आफ्टर दैट द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंक्लूड इट मे बी ड्यू टू वाइटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है. तो एक्टिव फॉर्म ऑफ वाइटामिन डी टू मेंटेन कैल्शियम विद इन नॉर्मल लिमिट, फॉर एग्जाम्पल रोकेल्ट्रोल, या IV कैल्शियम कैन बी गिवन सच एज 10% कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट कैन बी गिवन. सप्लीमेंटल कैल्शियम भी दे सकते हैं, इट माइट बी गिवन ओरली और थ्रू डाइट. एंड
पैराथायरॉयड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, बिकॉज इन दिस द पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल इज डिक्रीज, सो पैराथायरॉयड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन बी गिवन. आफ्टर दैट द नर्सिंग मैनेजमेंट इंक्लूड नर्सिंग डायग्नोसिस, नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू डाइटरी मैनेजमेंट और मेडिकेशन. इसमें हाई कैल्शियम लो फॉस्फेट डाइट देंगे, अवॉइड मिल्क एंड चीज, दीज आर ऑल्सो हाई इन फॉस्फोरस. कैल्शियम रिच डाइट देंगे सच एज आलमंड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल. And this is all about topic.